गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई नो जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा HCF का, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। उसी का एक कॉन्सेप्ट है HCF बाय डिवीजन मेथड, जो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वो कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो दैट्स द रीज़न। सो आइए अब हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर, जो है HCF बाय डिवीजन मेथड। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास गिवन नंबर्स हैं। यहाँ बात हो रही है टू नंबर्स की, इससे ज़्यादा के भी केस आएंगे। तो अभी हम पहले टू नंबर्स का केस पढ़ते हैं कि आप कैसे HCF निकालेंगे डिवीज़न मेथड से गिवन टू नंबर्स का। कुछ नहीं करना है, आपको बड़ा नंबर अंदर रखना है और छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करना हमने सीखा हुआ है, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था डिवाइड कैसे करते हैं। फिर 161 पे चेक करेंगे कि क्या वो 345 उसकी टेबल में आता है, नहीं आता। लेकिन 161 पर टूजा पर 322 आता है, जो इससे छोटा है, उसको हम यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 23 बचेगा। अब इस 23 को, रिमाइंडर जो आपके पास बचा है, इस रिमाइंडर को आप डिवाइज़र बनाएंगे। ये होता है डिवाइज़र, जिससे आप डिवाइड करते हैं। पहले आप 161 से डिवाइड कर रहे थे छोटा नंबर बड़े नंबर को, अब आप इसको डिविडेंड की जगह ले जाएंगे अंदर, और जो आपका रिमाइंडर आया वो आपका वापस क्या बन जाएगा, डिवाइजर। अब 23 की टेबल में देखिए 7 पर 161 आता है, अब 7 पर चेक करेंगे 161 आ जाएगा और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ज़ीरो। तो इस केस में जो आंसर है वो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है। अब आपका जो इसमें HCF है वो क्या होगा, आप देख रहे हैं जो लास्ट डिवाइजर था जिस पर ये ज़ीरो आया था, तो उसमें आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास आंसर क्या आया है, HCF क्या आया है, वो होगा आपका 23। जो लास्ट डिवाइज़र होता है डिवीज़न मेथड के केस में, वो आपका क्या होता है, डिज़ायर्ड आंसर। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो है आपका होमवर्क। आपका होमवर्क 2C एक्सरसाइज थी, जिसके 10 सम्स आपको करने थे। साथ में आपका होमवर्क, आज का जो होमवर्क है जो इस कॉन्सेप्ट के बाद है, वो है आपका एक्सरसाइज 2D, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एटलीस्ट 9 क्वेश्चन है आपके। वो 9 क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से HCF निकालने के हैं। वो आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपको वो होमवर्क में अपनी नोटबुक में खुद से ट्राई करके देखने हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, आप वीडियो 2-3 बार ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल वाइज समझेंगे, फिर आप रफ कॉपी में अपने क्वेश्चन निकाल कर देखिए, और अपने ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स से, कोई भी घर में हेल्प करने वाला हो उनसे वो चेक करवाइए, देन अपनी फेयर नोटबुक में आप वो क्वेश्चंस सॉल्व करके लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी इन रूटीन, डू योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू।